हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं सब कुछ? और सुनाएं। हम पहुंच चुके हैं मरी में और बर्फ़ शर्फ पड़ी हुई है यहाँ पर। हम जिस जगह इस एरिया में आए तो यहाँ पर बर्फ़ मिली है हमें, और कल थी थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की, लेकिन बर्फ़ मिल गई है। और सर्दी बहुत है ना, सर्दी बहुत है बच्ची, यहीं की रहने वाली है, बता रही सर्दी बहुत है। तो बर्फ़ दिखाता हूँ, ये सर्दी का आलम है, ये बर्फ़ पड़ी है सारी, देख रहे हो वो सामने पूरा एरिया है। अच्छा, बर्फ़ जिस हिसाब से मरी में होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं है भाई, लेकिन बर्फ़ है। और ठंड भी बड़ी ज़बरदस्त है, अभी ग्लव्स नहीं पहने लेकिन हाथ सुन हो चुके हैं। और इस वक्त 1 चल रहा है टेम्परेचर यहाँ का, दिन में 8 तक था वो नॉर्मल आ जाता है, लेकिन अब जैसे जैसे शाम तक आती जा रही है तो 1 आ गया, और रात को -8 तक जाता है। अभी आप देखें ये पूरा व्यू है, ये आतिफ भाई को फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और यहाँ पे पूरा बर्फ़ बर्फ़ में हुआ हुआ, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, बड़ा मज़ा आ रहा है। ठंड भी बड़ी ठीक ठाक है, लाहौर की ठंड तो थी, अब यहाँ की भी मिल गई है। ये देखें वो गाड़ी की छत पे भी बर्फ़ पड़ी है। अब यहाँ बर्फ़ दोबारा कब गिरनी है ये तो पता नहीं, लेकिन जो है वो आपके सामने है। आगे और जाता हूँ, दिखाता हूँ अगर आगे कुछ मिलता है व्यू। ये है बर्फ़, ये ठंडा ठंडा हो रहा है, तो बस इतनी ही बर्फ़ पड़ी है, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी इससे आगे रिहायशी एरिया है तो दिखा नहीं सकते, ये सामने का व्यू है पूरे पहाड़ वहाड़ का। बाकी अभी ऊपर जाते हैं, पिंडी पॉइंट पे जा रहे हैं तो वहाँ का दिखाते हैं कुछ, लेकिन आपने ये देखें ये बड़ा अच्छा व्यू चल रहा है। ये सामने पहाड़ है, इस पर पूरा कवर हुआ है बर्फ़ से। कल और आगे भी जाएंगे तो आगे जाके फिर जो है लो जी, दुमची हमने मरी में भी ढूंढ ली है। मरी में भी दुमची है और यहाँ की भी दुमची ट्राई करेंगे अभी। आतिफ भाई ने यहाँ भी नहीं छोड़ा, दुमची हर जगह यहाँ ढूंढ ली और खाने में लगे पड़े थे। वो हो तो दुमची खाते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं कैसी है जी। मरी माल रोड जाने के लिए सीढ़ियाँ, और सीढ़ियाँ हैं, अब आपको सीढ़ियों से चढ़ते हुए थोड़ा व्यू दिखाते हैं कि दुकानें कैसी हैं। ये सारी दुकानें माल रोड की सब जगह नज़र आएंगी आपको, यहाँ से शॉपिंग शॉपिंग कर लो वो बर्फ़ के डेले। चपली कबाब वाला आ गया है, जिससे हम बड़े शौक से चपली कबाब खाते हैं, भाईजान चपली कबाब। लेकिन बात यह भी भूख नहीं है इसलिए खा नहीं रहे, पर दिखाएंगे ज़रूर। यह है भाईजान, रात को खाएंगे यार, ये चपली कबाब बन रहा है, भाईजान चपली कबाब। सही है, रात को खाएंगे, फिर रात को दिखाएंगे। ये है माल रोड की मेन गली, पूरा बाजार है इधर, खिलौने शिलौने बच्चे के जूते कपड़े सब मिलता है। ये है मरी माल रोड मेन, देख रहे हैं ये मेन है मलिए माल रोड। अगर जीपीओ जाना है तो उस तरफ सीधे जाना पड़ेगा, उधर जीपीओ आ जाएगा, उधर मोमिन पैक होटल भी है, जीपीओ भी है, सब कुछ इधर ही है। अभी धूप निकली है थोड़ा मन है, लेकिन जहाँ छाँव आता है ना
उधर हालत बुरी जाती है भाई, इधर का यही मसला है, जहाँ छाँव आएगा उधर हालत बुरी है। पर यह है कि सही है मौसम, धूप के अंदर अभी सांस फूल गई है, सीढ़ियाँ चढ़ कर आए, इतना लंबा ऊपर तक आए, लेकिन मज़ा आया। ATM सब चीज़ों की सहूलत मौजूद है भाई, ये देखो पैसे शैसे निकालने हो सब करने हो, हर चीज़ की सहूलत है। बाकी ये सामने मॉल है, वो बिल्कुल उस तरफ जाएंगे, मेरी उंगली देख रहे हैं उस तरफ मॉल है। चले मॉल जी सैर करने निकल गए, गाड़ी में बैठ गए आती बैर में, और माल रोड से पिंडी पॉइंट चेयर लिफ्ट तक जा रहे हैं। ये दिखाता हूँ गाड़ी कैसी है, ये हमारी गाड़ी है, गाड़ी बड़ी अच्छी है, हमारे आगा खान में ये ऐसी शटल के तौर पर यूज़ होती है और ये यहाँ पे सवारी के लिए यूज़ होती है। तो आप देखिए यूज़ भी दिखाऊंगा मैं आपको, पीछे के बड़े ज़बरदस्त यूज़ है। ये मॉल है पीछे जो मैं बता रहा था, ये आ गया। इस दफा बर्फ है ही नहीं, मैं हर साल छुट्टी आता हूँ तो बर्फ अच्छी खासी होती है, बर्फ थोड़ी है ऊंचाई कुछ नहीं। ये सामने का व्यू देखें, ये वो प्लेस है जहाँ वो ड्रामा था ना एक, आपका मैं ड्रामे का नाम याद नहीं आ रहा, मदी में जब बना था, चार दोस्त होते हैं ऐ दे वफा, ये वो फिटिंग यहीं पर है, हमें कैडेट कॉलेज है उसका। ये सामने जी गया, यहाँ शूटिंग हुई है, नीचे वो स्कूल है जिसमें लॉरेंस स्कूल, वो नीचे है। बाकी ये सारा वही एरिया है, यही नीचे तरफ देख रहे, ये देखें यहाँ बर्फ है अच्छी खासी। व्यू चेक करें, वाइल्ड लाइफ ऑफिस है ये, वो सफेदी सफेदी है। ये देखें बस, ओहो हो हो, यहाँ की जो पिक्चर है, मेरे पास ऐसे पुरानी पिक्चर है यहाँ की, ओ हो। ये वापसी में पैदल आएंगे, फिर यहाँ के थोड़े से शॉर्ट्स लेंगे। अभी हम उतर गए तो हमने कहा शायद हमारा किराया पूरा हो गया, लेकिन किराया पूरा नहीं हुआ भाई, अभी हमारा है टिकट पूरा, वही एंड तक उतारेंगे भाई। मैं नजर आ रहा हूँ व्यू, कोई नहीं। ये पहुंच गए पिंडी पॉइंट चेयर लिफ्ट, चलो जी यहाँ उतरना था। ये लो जी अब किराया पूरा हुआ हमारा, अब हमारा किराया पूरा, हम पहले उतर गए। चल आ जा चलते हैं उधर। अच्छा ये है पिंडी पॉइंट चेयर लिफ्ट, यहाँ कम ही लोग आते हैं, जो आता है देख, आए तो होंगे काफ़ी लोग, लेकिन बहुत कम लोग आते हैं इस तरफ, ज़्यादा लोग वो GPO या कश्मीर पॉइंट इस तरफ निकल जाते हैं, यहाँ कम आते हैं। तो यहाँ हमारे एक जेब भाई हैं, उनके साथ आए थे पहली बार, उन्होंने हमें व्यू कराया, बड़ा अच्छा है। चेयर लिफ्ट पिंडी पॉइंट नहीं लिखा हुआ ना नीचे सारा, ये नीचे सारा का व्यू देखें, बड़ा अच्छा व्यू है। ये पिंडी पॉइंट कहलाता है वही मरी, मगर पिंडी पॉइंट चेयर लिफ्ट की एरिया का नाम है पूरा। यहाँ से भी चेयर लिफ्ट आगे लेके जाती है, नीचे जाके नीचे जाना है, वापस ऊपर आना है। तो व्यूअर्स के लिए आया हूँ, जो बात है हकीकत है, मैं तो यहाँ बहुत दफ़ा आया हूँ, जो देख रहे हैं उनके लिए आया हूँ भाई। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है, आते भाई आप भी बोल दो जी। बिल्कुल
अब तो बनता है, इतनी मेहनत, सांस फुला रहे हम अपना, तो इतना तो हमारा राइट बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें वीडियो, ज़्यादा शेयर करें। मगर ये अब जो है ना ठंड लगना शुरू हो गई है, जो बात है ताजे अमरूद मीठे अमरूद ये देखो यार, जा यार 50 के दो तुम। क्या बोला तूने? मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? 50 के दे दो, ऐसे चखेंगे सिर्फ आपकी बात करके। अच्छा नींबू मसाला लगा? हां मजेदार सर, मजेदार सर। चलो भाई नरम चाहिए, सख्त चाहिए? सख्त देना। एक कराची एक लाहौर, मैं कराची से हूँ ये लाहौर से। 150 के मिलेंगे, 150 के मिलेंगे नींबू वाले मसाले वाले ताजे, बहुत मजे के अमरूद है जी। जो बात, थैंक यू। चलो भाई अब ये अमरूद खाते हैं, मगर अमरूद चखा है भाई ने, अमरूद दिए नींबू शिम्बू डाल के, मसाला शसाला डाल के, वो ठंडे हो रहे हैं यार। टेस्ट आ रहा है नींबू डाल के, उसके मसाला भी है भाई, बहुत जबरदस्त भाई, मजा आ गया। जो बात है ये हमारी चिली पटर, अच्छा ये वो भी पथरियाटा वाली नहीं है भाई, ये पिंडी वाली है, तो यहाँ बोलो पथरियाटे पथरियाटे वाली अलग है, ये नॉर्मल सी, ये भी किसी पहाड़ी शाड़ी लेके जाती है। तो देखो आपको घूमना है फिरना, ये सामने पार्क बना हुआ है, इस पार्क में जा सकते हो, यहाँ से उतरो उस तरफ जाके नीचे की तरफ व्यू ले लो, उस तरफ सारे घूम लो, ये सारा पूरा एरिया बना हुआ है। ये चेयर लिफ्ट चल रही है सामने, और ये छोटा सा पार्क सा है, यहाँ जाके खेल कूद करो, तस्वीर वस्वीर लो, व्यूज़ हैं सामने का नज़ारा देखे, धुंधली धुंध है इसलिए ज़रा थोड़ा सा क्लियर नहीं अब होगा ये, और ये चेयर लिफ्ट जा रही है। कैसा है अत भाई? मगर मरी पथरियाटा वाली चेयर लिफ्ट वो ज़बरदस्त है, है? वो इतनी वो कोई ख़ास नहीं है, ऐसी है। एक सवाल है, आगे भी खाते हैं, अगर अभी अचानक यहाँ पे ऊपर से जंगल है पूरा सामने, यहाँ से शेर आ जाए क्या करोगे? नंगे होके खड़े हो जाएंगे। क्या नहीं। क्या बोला तूने? ए पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ, फिर शेर नहीं आएगा फिर कोई और आएगा। नहीं तो कोई ये कोई भूत थोड़ी है कि आप नंगे होके खड़े हो गए और आपको देख के भाग जाएगा भाई, वो तो भूत के लिए कहा जाता है, कोई चुड़ैल वुड़ैल आ जाए तो आप भाग। हो सकता है उसको गोश्त मेरा पसंद ना आए, हो सकता है मेरा गोश्त पसंद ना आए तो इसकी वजह से मैं वापस अपने कपड़े पहनूं, वापस चलो मेरी जान छोड़ दे। वो तो तब भी हो सकता है कि आपकी शक्ल देखे बोलो पसंद ही नहीं आ रहा बंदा, ऐसे ही भाग जाओ। हाँ ये भी हो सकता है। डब्बे में जलाई भी। अच्छा भाई वो चेयर लिफ्ट जा रही है, हमारे पास भी है लॉर्ड द पावा अख्तर लावा, दिखाएं। ये देखो भाई लॉर्ड द पावा अख्तर लावा। ये देखो भाई ये गाड़ी जिसमें हम आए थे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के ज़माने की गाड़ी जैसी बनाई है, ऐसा हमारा हॉस्पिटल है, उसके अंदर ही शटल सर्विस में चलती है फ्री में। उसकी बात अच्छी लगी, उसकी चीज़ें खा रहे हैं भाई की बात अच्छी लगी, हम उसको चिप्स खा रहे हैं, जिसकी जो चीज़ बात अच्छी लग रही ना बात जबान जबान उसकी खा रहा, अभी चिप्स खाते फिर बताते वरना कितने ठंडे हो जाएंगे। शाम का टाइम है, डूबता सूरज है और हसीन वादियाँ, और कितनी हसीन वादियाँ हैं आप खुद देखेंगे। ये देखें वो देखें, चाँद निकलने को आया है और सूरज सात रंग जो आ रहे हैं सूरज के वो देखें, और ये माशाल्लाह ऑपरेशन हो गया, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि पप्पा के लिए ज़्यादा दुआ करें, उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, तो ऑपरेशन तो माशाल्लाह कामयाब हुआ है, मतलब दुआ के लिए ज़रूरत है, तो सारे मिलके आपने दुआ करनी है लाजमी, जितने भी लोग हैं आपने दुआ लाजमी करनी है। ये भाई आर्मी वालों का एरिया सारा, यहाँ वीडियो बनाना मना है, बड़ी मुश्किल से बना रहे हैं। यहाँ के रोडों पे चलने का और यहाँ की लाइफ एंजॉय करने का मज़ा ही अलग है, पर लिमिटेड टाइम तक मज़ा आ रहा है, जा रहे हैं माल लोड पैदल पैदल,
जाते हैं बाकी वहाँ बात करते हैं। तो ये मरी का माल लोड अभी थोड़ा आगे, ये खाली सिंध हाउस, खाली रेस्ट हाउस ये नज़र आ रहा है। ये बाकी ये पीछे का व्यू देखें, ब्लू ब्लू व्यू आ रहा है, बिल्कुल पीछे नज़र आ रहा होगा आपको, बेहतरीन व्यू है और बड़ा मज़ा आ रहा है। सब हम यहाँ सुकून से बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ देख देख के इंजॉय करते हैं। ग्लव्स पहन लिए क्योंकि हाथ अब बिल्कुल जाम होने लगे, सही है ना। चले बाकी आप पूरा एक व्यू देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। VIP व्यू है और बर्फ़ भी साथ साथ नज़र आ रही है, बेहतरीन हो गया। अब आगे जाए भाइयों, ये वो बेकरी, ये वो जगह है जहाँ पर ऐद वफा की शूटिंग हुई थी, लड़की का केक का डिब्बा गिरा था, अल्पाइन बेकर्स, ये वो एरिया है ऐद वफा की शूटिंग वाली। माल लोड आ रहा है और माल लोड की अब जो रात की रौनक है वो आपको दिखाते हैं कि माल लोड में रात का क्या एंजॉय है। ये चेक करो बस, रौनक देखो, रोशनियाँ देखो माल रोड की। और सामने अगर दिखा सकूं तो लिखा हुआ है मरी हिल्स और ये पूरा माल रोड है, इसकी रौनक है रात में। यहाँ घूमने का, आवारा गर्दी करने का मज़ा ही अलग है। देख रहे सारे चीज़ों वाले बैठे हैं, ये 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 भाई ये देख लें, लास्ट ये माल रोड का एंड है, GPO की तरफ जाने वाला रोड है और आगे मोमिन पैक होटल है और GPO है मरी। ये आ गया जी सामने मोमिन पैक, देख रहे ये पीछे मोमिन पैक होटल है और ये माल रोड GPO। GPO भी दिखाता हूँ अभी आपको, ये आ गया है मरी GPO सामने, और सामने नवीन पैक होटल के साथ ही बना हुआ ये GPO। हवा बहुत तेज है भाई, हवा की वजह से ना सर्दी ज़्यादा हो रही है। हाँ जी, तो भाई जेब भाई ने आज हमें पकड़ लिया मौके पे, मौका है वारदात पे, और मरी पहुँच गए हमारे साथ। और जेब भाई कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए। आपने मैं पकड़ा कैसे? बस नसीब में था। और ये आतिफ भाई हैं, ये सारा बुकराम इनका है, हम सो गए थे, आतिफ भाई उठाकर लाए अभी हमें, ये भाई हमारे साथ हैं ये सारे। अच्छा जी चले, टाइम हो रहा है इस वक्त, कोई नहीं 6 बज रहे शाम के, पर यहाँ तो आधी रात हो चुकी है, 6 बजे का मतलब है आधी रात हो गई। चांद देखें, वैसे हमें यहाँ रुकना नहीं था, हमें वापस जाना था, लेकिन आतिफ भाई मेरा इरादा हो गया कि यार अब मज़ा आ गया, सर दर्द वगैरह ठीक हो गए, तबीयत तो फिर सेट हो गई है, तब इंजॉय करते हैं, तो आज रात यहीं स्टे करेंगे। आज रात वरना हमें रुकना नहीं था, यहाँ से आज वापस लाहौर जाना था, लेकिन अब रुक रहे हैं, कल निकलेंगे लाहौर के लिए। तो आज इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। थक गए थोड़ा हम खुद, ऐसे ही बिना व्लॉग के घूमते फिरते, जो जो दिखाना था आपको दिखा दिया। मान लो एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ये आतिफ भाई बैठे हुए हमारे साथ और ये माल लोड की रौनक चल रही है। ये देखें चांद सर पर है, दिखाता हूँ वो रहा, और चांद के साथ एक तारा भी चमक रहा है, देख रहे तो मेरी जैसा मेरा जैसा होगा। अरे हाय, अरे हाय चांद, अरे हाय तारा, अरे हाय, ठीक है सही बोल रहे हैं, चांद के साथ तारा बैठा हुआ, चांद के साथ तारा बैठा हुआ, सही है, रहा नहीं गया और बर्दाश्त भी हुई, जेलस ही हो रही थी। चलो जी, ये वही गाड़ी आ गई जिसमें हम गए थे, और अब इस व्लॉग को ये एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और सुप्पा के लिए दुआ जरूर कीजिएगा, ऑपरेशन तो माशाल्लाह कामयाब हो गया, बस अल्लाह पाक जल्दी सेहतियाब करे और ICU के मामला भी जल्दी निपटा दे। तो इसी के साथ दीजिए अल्लाह हाफिज़, आपका मेज़बान सैयद सलमान अली, यू विद मी, आई एम ऑलवेज विद यू, अल्लाह हाफिज़।
थैंक यू।